सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आर एन ए और मैं आपका होस्ट वसीम कादरी। अभी हम लोग पहुंचे हैं डल मोहल्ला गोपालपोरा में, डल कॉलोनी गोपालपोरा में, और यहां पर हमने देखा कि एक ट्रांसफार्मर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वागुजार किया गया था इस मोहल्ले को। लेकिन यहां पर तशवीश की बात ये है कि इस मोहल्ले को अगर ट्रांसफार्मर वागुजार किया गया लेकिन आगे जो नेटवर्क है वो पूरा जो है तितर बितर हो चुका है, क्योंकि कोई भी बिजली का खंभा इस ट्रांसफार्मर के साथ इस डल कॉलोनी को नहीं दिया गया। और हमने विजुअल्स में दिखाने की कोशिश की कि यहां पर जो पूरा नेटवर्क है बिजली का वो बहुत खस्ता हो चुका है और कहीं भी बिजली का खंभे का नेबो निशान नहीं है। तो यहां पर हमारे साथ कुछ मकामी लोग जुड़े हैं जिनसे जानना चाहेंगे कि क्या है उनका मुतालबा। आइए बराए रास्त उनसे बात करते हैं। यहां पर हमारे साथ एक मुकामी बाशिंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तुम खैर मकदम छो आर एन ए न्यूज मस्त, क्या मुतालबा तुम गुड़ पुन नाव? इम्तियाज अहमद खान जनाब। तो इम्तियाज साहब क्या मामला, क्या मामला सब ये थे, क्या प्रॉब्लम? डी डी सी चेयरपर्सन एरिया तम ट्रांसफार्मर हाथ के वी बीत जीरो पोल अच्छी एच डी पोल जाकई नेटवर्क ओड किलोमीटर लेंगत यह पे लागत पे। अच्छा तो हुकामन तम एप्लिकेशन दुत गृह मिनिस्टर से मगर अत पे गई कहीं कार्रवाई अक दह टीम जुलाई म तकरीबन जून जुलाई में तमो दोपो एस्टिमेट पोल वो ये मगर तन पे दिख नजर नोल नार यह कोर नजरअंदाज हमेशा ओड किलोमीटर से लेंगत अच्छ दी तक नेटवर्क अच्छा प्रॉब्लम अच्छा पावर गा वी ड्रॉप यह पूरा पावर वातान अम कह ये ट्रांसफार्मर दिन आव अत सत पोल आई दिन बुच पिजुअल मज कहन पोल एवेलेबल ये क्या इशू ये अत क्या मामला अत मामल अत डी डी सी चेयरपर्सन तम दी दिन एच डी पोल जीरो पोल अख बे तार मीटर हाथ एच डी लाइन खुद बस पास यपरी ये गुंजाइश गाम एतराज एच डी लाइन तो अस लोग ये मगर यह नेटवर्क लोग पनस लागत पे यपर स्टूडेंट गपर बच्चे गातून गार हमेश पे मोहमूली मसल तार पे ये गई इंसीडेंट मगर गवर्नमेंट दुत तवजुद ये कुल अपील कर एल जी सोबस ये कुल करिए तवजुद फौरी तौर गए नेटवर्क अस बहाल गए। तो नाजरीन डल मोहल्ला से हम लोग बराए रास्त यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी नेटवर्क है इस बिजली के ट्रांसफार्मर से, मैं कैमरा मैन से इस्ता करूंगा कि वो आपको ट्रांसफार्मर दिखाए। ट्रांसफार्मर लगभग 500 मीटर दूर है और 500 मीटर तक कोई भी बिजली का खंभा नहीं है। आप देख सकते हैं यस तार वारिया बोन तो ये हे हादसे तपदित या हे ये कह प्रॉब्लम गसित तो युद्ध मुतालबा कि अस वाना पान कत मगर अत पे ना आव कह पुरसान तुल बेहतर कह लुक इन तुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या तुम नाव? महमूद यूसुफ खान। यूसुफ क्या मुतालबा तुम ये अर्ज अगर कह लगे ये गवर्नमेंट जिम्मेवार बिजली डिपार्टमेंट अगर कहसे गो अमु जिम्मेवार दरखास्त मगर अत कवजु दिम कह। अच्छा तो बिजली पोल छुन तो कह कहीं टोटल अच्छे पन्नस लागत पे तार वार सालम पन्नस लागत नाजन कुछ और लोग भी है यहाँ पे हमारे साथ। तो क्या तुम्हें वन महमूद मकबूल खान? मकबूल साहब क्या मामल तार बन अगर पार लगे कह वरी वन पोल दू तार दिन दिवन कहीं पोल आव कहीं यह सारी तार बराबर कॉलोनी तम पकान ट्रांसफार्म अप गुपन तूर पकन इंसान पकान जनान मोहनी पकान या पोस पे गोडे पोसिस ब्रो कु गुन तार मे पेमुत कह मे पेमुत या चारो तेमिस ब्रो ब्रो पे अशा इंसान कि गुपन अने खा कह गमेंट अगर अस ट्रांसफार्म दुक अ हक बनान अम तार अम पोल अरा आराम अव मतलब ये वन छुल तुम सान बेहतर ट्रांसफार्म बाई चीज सान खा इंसाफ कह कर इंसाफ अस वस मन कर मल कल रुपये शे शे हाथ दो लट अन वरियस कर तथा पे तार चला पावर चला अच्छे खतरा पंच सरपंच पंच मगर सरपंच अंडर
सुन आव जहन तोतन तम दिन जहन नजर अर तुम्हें रिक्वेस्ट अच्छे सड़क हूँ सहल सड़क गार वार मरमत मगर ये हा बच्चे गा यप ट्यूशन पढ़ने स्कूल गे लकन हज मूमेंट कहरबल कें कहरबल यपरि तपर गिश्त पानवे अप मार्केट पे मार्केट ग मगर तमन ये नजर न कोर गोर एप्लिकेशन नी अ लेटर पेड़ पे वर्क त मकल मगर तमो कौन गोर ग्रिडस मे पांच सास पोल अन तम सरमी तम कम खर्च बिल्कुल ग्रिडस करीब बिल्कुल जनाब अली वो गुजारिश करतन पोल बहाल मौक पे यन ये गिदिन चौव घंटे गई कारवाई तो नाजरीन ये वह सोरे पावर यम ट्रांसफार्मर पे गु तमाम यमो कम यमो लकड़ी हंद पोल अनम पान तो मगर यम पोल तीत मजबूत कह यह तार सठा बोन अगर वो कुन जाए त्रे फुट कुन जाए ठ फुट कुन जाए शे फुट आज तो यप चलाई कलान दौर त गो स्टार्ट सर्दी हज शदीद लहर से तो इन ज्याद मुश्किल दरपेश तो करो पन्न चैनल हंद वसात सत गुजारिश आला हुकाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चीफ इंजीनियर पीडीडी तो बे एल जी एडमिनिस्ट्रेशन करो इस दरखास्त कि युहुंद इस मुतालबा छु यह गोस फौरन जल्दी सान हल यून कर तो बे वो विजुअलन मज कि यहां पर जो भी बिजली के खंबे हैं एक भी खंबा नहीं है खाली तीन खंबे इनको वागुजार किए गए उसके बाद कोई भी बिजली का पोल इनको नहीं दिया गया। हालांकि इनका यह कहना था कि अगर इस बिजली की वजह से कोई भी हादसा पेश आता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। बिल्कुल बराए रास्ता हम लोग अभी डल कॉलोनी में है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर जो है इनका एक मुतालबा जो है उसके जिम्मन में इन्होंने सुबह कॉल किया था आरएनए टीम को कि हमारे पास यहाँ पर बिजली का जो नेटवर्क है वो पूरा खस्ता हो चुका है, उस पर कोई भी काम कायाम अमल में अभी तक नहीं लाया गया। हालांकि हमने अभी जो है AEE और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD डिवीजन अनंतनाग जो है उनसे बात की, फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने कहा कि आप ऑफिस में आ जाएं और हम लोग यहीं पे आपको जो भी है जानकारी है वो फराहम करेंगे कि किस स्कीम में इनको कवर किया जा रहा है। तो हम लोग बिल्कुल अभी जो है जा रहे हैं अनंतनाग जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में और हम लोग उनसे रिएक्शन लेंगे ज़रूरी कि इनका जो मुतालबा है आज तक जो है इसमें कोई भी काम कयाम अमल में क्यों नहीं लाया गया। तो आइए चलते हैं PDD ऑफिस अनंतनाग और वहां से हम लोग बात करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं AEE अनंतनाग से। अभी हम पहुंचे हैं डिवीजन अनंतनाग में, PDD के डिवीजन अनंतनाग में और यहां पर हमें जैसा कि आपको पता है कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब उन्होंने बताया था कि हम बराए रास्त आपसे बात करेंगे, इस जो भी मुतालबा था जो इनका मुतालबा था वहाँ पर गोपालपुरा में, तो हम लोग इस सिलसिले में यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आइए बराए रास्त जुड़ने की कोशिश करते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD डिवीजन अनंतनाग से, तो जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस मुतालबे के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी जाकर गोपालपुरा कलान के जो वहाँ पर एक कॉलोनी है वहाँ पर हमने देखा था कि जो पूरा LTE नेटवर्क है वो पूरा वहाँ पर खस्ता था। तो हमें यहाँ पर फोन लाइन पर लिया था जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है अनंतनाग के लिए, तो उन्होंने हमें अपने ऑफिस में बुलाया, बोला कि आप यहाँ पे आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आके हमें ये पता चला कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब है उन्होंने बोला कि ऑफिशियल वर्जन के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा जो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर विकसित भारत संकल्प में ये चीज़ बताई जाती है कि आप ऑफिसेज के दरवाजे खुले हैं, आप आइए अपनी ग्रीवेंसेस लेके, हम लोग ने जरूर यहाँ पर जो दरवाजा खटखटाया था वहां पर आए थे, दस्तक दी थी, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो अनंतनाग के लिए है उन्होंने ऑफिशियल बाइट देने से एतराज किया। तो हमने ऑफिशियल वर्जन के लिए जो बात की वो की जो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर है मुजफ्फर अहमद लोन साहब, तो क्या कुछ कहना था मुजफ्फर अहमद लोन साहब का आइए जानते हैं। आप जुड़े रहें RNA न्यूज के साथ। RNA में आपका खैर मकदम, मैं आपका होस्ट वसीम कादरी, अभी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर अनंतनाग मिस्टर मुजफ्फर अहमद लोन साहब। उनसे जानना चाहेंगे सर, जो यहाँ पर हम लोग अभी गोपालपुर कलान में गए थे वहां पर हमने देखा कि जो एक्सटेंशन हुआ है LTE नेटवर्क का वो बहुत ज्यादा वहां पर खस्ता हो चुका है, वहां पर कोई भी
जो पोल है वो आयरन पोल नहीं है, लकड़ियों के पोल भी नहीं है, वहां पर जो भी है बांस के कुछ पोल्स लोकल लोगों ने लगाए हैं, इसके बारे में सर आपकी क्या जानकारी है वो बताइए। देखिए वसीम साहब, ऐसा है कि जो हमारे कुछ लोगों ने बहुत पहले से इलीगल एक्सटेंशन दिए है पावर सप्लाई लेने के लिए, और हमारे सिस्टम के साथ ये सिस्टम में पड़े हुए हैं हमारे कुछ रॉटन पोल्स, वुडन पोल्स, अंडरसाइज पोल्स। इट इज नॉट इन गोपालपुरा कलान ऑनली जो बता रहे हैं आपका, इट इज थ्रू आउट द वैली हमारे हैं। हमने इसके लिए एक बार्बर वायर स्कीम आई थी, वो इसमें इंक्लूडेड थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें वो शॉर्ट क्लोजर हो गई, तो उस वजह से ये काम नहीं हो पाया। उसके बाद शॉर्ट क्लोजर होने के बाद एक कंपोजिट स्कीम बनाई गई, रिवाइवेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम, जिसमें ये चीजें इंक्लूडेड है। वो उसमें दो पार्ट में ये काम होना है। एक पार्ट है कि लॉस रिडक्शन, वो तो ऑलरेडी हुआ है और वो काम हमने पीजीसीएल को दे दिया है, उन्होंने टेंडरिंग भी की है और वो अलॉट भी हो गई है। उसमें एलटी केबल लगेंगी हमारी सिस्टम में और उसके साथ स्मार्ट मीटर्स लगेंगे। जो उसके बाद भी कुछ अगर रहता है कहीं कहीं हमें, तो हमें मॉडर्नाइजेशन में उसी स्कीम में, आरडीएस स्कीम में ही, वो तकरीबन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लिए हमें 2.37 करोड़ की स्कीम एक सेंक्शन हुई है, तो उसी में वो पार्ट भी इंक्लूड कर रहे हैं, उसका डीपीआर बन रहा है। जो भी लेफ्ट ओवर रहेगा मेन आरडीएसएस लॉस रिडक्शन स्कीम में, वो इंक्लूड हो जाएगा आरडीएसएस की मॉडर्नाइजेशन स्कीम में। वो डीपीआर अंडर दिस फैब्रिकेशन है, हम बना रहे हैं, उसमें सारी चीजें बोला गया है कि वो इंक्लूड कर दी जाए उसमें, जहां कहीं भी रॉटन पोल्स है, जहां कहीं भी बार्बर वायर है, वो सारा उसमें इंक्लूड किया जाएगा और ये चीजें इन फेज्ड मैनर हो जाएंगी। अब अगर लोग चाहते हैं कि एक साथ सारा हो जाए, सारा तो नहीं हो जाएगा, वी आर ऑन इट। कुछ काम हुआ भी है, वो तो जो ग्राउंड पे आप गए होंगे तो बहुत सारे काम हमारे हुए भी हैं, लेकिन कुछ काम अभी हैं जो फेज्ड मैनर में हो जाएंगे। तो सर आपसे और जानना चाहेंगे, जैसा आपको पता है कि शदीद सर्दी की लहर पूरे कश्मीर में है, चलाए कलान अभी चल रहा है, तो लोगों को बहुत सारी मुश्किलें दरपेश हैं बिजली के हवाले से, तो हम लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं कि जितना भी ये एलटी नेटवर्क अभी खराब है, जिसकी अभी हालत जो है काफी ज्यादा खस्ता है, क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह ये जो है पूरा जो ये नेटवर्क है इसको ठीक कराया जाएगा? कुछ दिनों में नहीं, लेट मी बी क्लियर कि कुछ दिनों में अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं हो जाएगा, इट विल टेक यू अ टाइम। इसमें पैसा भी बहुत लगता है, 237 करोड़ की स्कीम है, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा। एक्चुअली हमारा ये प्रोग्राम है, ये स्कीम 2025-26 तक है, तो तब तक ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। पूरी स्कीम इम्प्लीमेंट होने के बाद हम ये कहीं पे ये चीजें नहीं रहेंगी और पावर सप्लाई डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। तो नाजरीन, ये हमारे साथ बराए रास्ते सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, हमारे साथ अनंतनाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जुड़े थे हमारे साथ, मुजफ्फर अहमद लोन साहब। तो शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला आरएनए में जुड़ने के लिए, आपका शुक्रिया सर। शुक्रिया वसीम साहब, थैंक यू।